आप लोगों से बात करने वाला हूं अगर आपके एग्जाम नवंबर 2020 में स्केड्यूल्ड हैं, चाहे वो बच्चे जिनके एग्जाम सर मई से शिफ्ट हुए हैं, चाहे वो बच्चे जिनके फ्रेश एग्जाम्स होने थे नवंबर में, चाहे इंटरमीडिएट वाला है, फाइनल वाला है, फाउंडेशन वाला है, जरा ध्यान सुन लेना भाई साहब इस बात को। सबसे पहले मैं उन बच्चों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूं जिन बच्चों के एग्जाम्स जो है वो नवंबर 2020 में फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। और एक बात मैं पहले सबको ही बता दूं कि साहब 101 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, अब खतरे की घंटी बज गई है। वीडियो को पूरा देखो और भाई साहब आउटपुट निकालो जबरदस्त। 101 घंटे बच गए हैं जिनके फ्रेश एग्जाम से नवंबर में, मुझे उनसे एक बात पे चर्चा करनी है। और वो बात पता है क्या है? तो बात ये है कि भाई साहब आप लोगों के लिए जो है मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो समझ रहा हूं कि आपने कहीं फेस टू फेस बैच ज्वाइन कर रखा था, ऑनलाइन क्लासेस जो है साहब वो नहीं हो पाई उस सेंटर से, या ऑनलाइन हो पाई तो सर उसकी हालत बहुत खराब है, आपकी बीकॉम की क्लासेस जो है वो क्लैश कर रही है आपके लाइव बैचेस अगर चल रहे हैं तो, और बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम और हो सकती है आपके साथ। मैं आपको बोल दूं, हां कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने फेस टू फेस क्लासेस के पैसे दे दिए थे, या कई लोगों को लग रहा है कि सर हमारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट नहीं हो पा रही एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब मेरी बात सुन लो सर, ये तो अब ऐसा ही है, दिस इज योर पास्ट, दिस इज योर संक कॉस्ट, यू कैन नॉट गेट इट बैक। अब आपने क्या करना है, आपने साहब सबसे पहले तो एक बात दिमाग में डाल लो, जिनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिनकी भी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई है उनको मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं। देखो जी बात ऐसी है, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, नितिन सर भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आने वाले समय में हमारी और भी फैकल्टीज आपके लिए वीडियोस अपलोड करती रहेंगी। एक बात, दूसरी बात, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भगवान है, उसके चरण छू के रखो। सारे टीचर इस दुनिया के, इस देश के सारे सीए टीचर्स सिर्फ आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। ओके, रंग बिरंगा करने से कुछ नहीं होगा सर, अल्टीमेटली वही है नॉलेज का पूरा भंडार। तो आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर अपने पास रखने, और टेस्ट सीरीज भी इसमें से बन जाएगी आपकी एमटीपी एटसेट्रा में से, बस बहाने मत बनाओ अब। और जो प्रॉब्लम्स है वो सबके साथ है, ये मत सोचो कि सिर्फ आपके साथ है, सबके साथ है, सबके साथ। ओके, तो आप लोगों ने पहले तो ये करना है, नवंबर 2020 फ्रेश वाले बच्चों तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें साइड में रखो और उनका एक एक करके जो है उठा के सॉल्यूशन ढूंढो और पंच पे पंच मारो उस प्रॉब्लम को। अब आ जाते हैं मई 2020 वाले बच्चों के साथ जिनके एग्जाम्स इनिशियली मई 2020 में स्केड्यूल्ड थे, लेकिन साहब उनके एग्जाम्स जो है पोस्टपोन हो गए, जून में गए, जुलाई में गए, अगस्त में भी जाने वाले थे लेकिन अल्टीमेटली नवंबर में चले गए। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पढ़ाई खत्म हो गई क्या? सीए बन गए क्या? हो गए मां बाप के सपने पूरे? किताबें उठा के फेंक दिए तुम लोगों ने? 20 दिन हो गए नोटिफिकेशन आए हुए, भाई सब किताबों को हाथ लगा के राजी नहीं हो तुम लोग यार, कमाल करते हो, दिमाग भी नहीं ढूंढ पा रही ऐसी जगह छुपाई तुमने किताबें अपनी। भाई साहब उठा लो किताबें, ये वक्त मिला है आप लोगों को और इस पे जरा लग जाओ। मुझे दुख क्या है तुम्हारा दुख मैं बताता हूं, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि तुम्हारा दुख है क्या, तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है भाई साहब कि आपको पढ़ने की जगह नहीं मिल रही, आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, एफिशिएंसी कम होगी। तो किसकी नहीं हुई है एफिशिएंसी कम? मेरी भी हुई है, मुझे भी दिक्कत है जगह को लेके, मुझे भी दिक्कत हो रही है सब चीजों में। अब बताओ, मेरा भी ऑफिस बंद पड़ा है, छोड़ दूं काम करना, बना लूं इसका बहाना, कमाल करते हो। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो, सारे के सारे कोरोना नहीं जा रहा है, ये हमारी जिंदगी का पार्ट बन गया, बात खत्म, अब ऐसे ही रहना पड़ेगा साहब। अब मास्क जो है आपकी जिंदगी का पार्ट बन गया, सैनिटाइजर आपकी जिंदगी का पार्ट बन गया, कोरोना आपकी जिंदगी का पार्ट बन गया, आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी अगले शायद 1 से 2 साल तक। नहीं पढ़ोगे अगले 1 से 2 साल तक? अरे हम इंसान है भैया, ह्यूमन बींग की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या है? अडैप्टेबिलिटी। हम -50 डिग्री में भी जिंदा और 50 डिग्री में भी जिंदा है, हमें कोरोना के साथ भी जीना सीखना पड़ेगा, कोरोना के बिना तो हम जी रहे थे, और इससे भी बुरा कुछ आ जाएगा हम उसके साथ भी जीना सीखें। तो प्लीज ये सब बहाने मत लगाओ, मुझे पता है मुझे भी दुख है कि आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन सर क्या करूं उस दुख का, मैं अचार डालू उस दुख का? उस दुख का सिर्फ और सिर्फ एक ही निवारण है, और वो ये है कि आप लोग सर समय ढूंढे, जगह ढूंढे, अपने घर में समय और जगह दोनों ढूंढे, मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी, राइट? तो पढ़ना शुरू करें भाई साहब, अब इंतजार ना करें कि कोई आएगा, कोई लाइब्रेरी खोलेगा, आपको अलग से रूम मिलेगा, अलग आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ ना, मान के चलो नहीं मिलेगी, बताओ क्या करोगे, छोड़ दोगे जीना? छोड़ दोगे साहब? ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी हाल में। और ये जो आपका मोमेंटम भयंकर तरीके से टूट गया है ना, इसे सर आपको वापस लेकर आना पड़ेगा किसी भी हाल में। अगले 20 से 25 दिन जान लगा दो अपना मोमेंटम बनाने में, और उस मोमेंटम को फिर कैरी करेंगे एग्जाम्स तक। एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे इस बात पे तो चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि जैसे ही आपको चलता है एग्जाम नहीं होंगे, आप किताब उठा के फेंक देते हो यार, ये क्या बात है? अपनी जिंदगी के साथ ऐसी पोस्टपोनमेंट करते जा रहे हो साहब। तो प्लीज इस बात की बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, आप लोग भी सर पढ़ना शुरू कीजिए। आप लोग खुशकिस्मत है, नवंबर वालों से अपने आप को कंपेयर कीजिए, उनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई, किसी के पास बुक्स नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है,
आपकी क्लासेस कंप्लीट थी, आप तैयार थे पेपर देने के लिए, आपने एक एक दो दो तीन तीन चार चार बार रिवीजन कर रखी है। सो प्लीज गाइस, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई अब ये जो लॉकडाउन है, कोरोना है, ये हमारी जिंदगी का पार्ट बनने वाला है और हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा किसी भी हाल में। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया सीख रही है साहब, पूरी दुनिया सीख रही है, धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन अब इसके साथ जीना सीख रही है। आपको अब सिर्फ दो चीजें बढ़ानी है अपने अंदर, एक प्रोडक्टिविटी और दूसरी साहब पॉजिटिविटी। आपको अपने आइंस्टाइन विंडो ढूंढनी है कि किस किस आर में, किस विंडो ऑफ द डे में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और उस विंडो में सर जान लगा दूं। मैं अगर अपनी बात करूं सर, मैं सुबह उठ के प्रोडक्टिव होता हूं। मैं सुबह के 5-6 घंटे खूब 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 काम करता हूं सर। मुझे लगता है वो मेरा सबसे प्रोडक्टिव आर है, वो मेरी आइंस्टाइन विंडो। तो आपकी भी होगी, पक्की बात है, राइट? तो उस आइंस्टाइन विंडो को ढूंढो भाई और अच्छे से लग जाओ, और साथ साथ एक जबरदस्त जो है वो प्लान बनाओ कि भाई कैसे आप कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हो, कौन सी फिर उसका कौन सब्जेक्ट शुरू करना है, पूरा का पूरा एक डिटेल प्लान बनाओ। मैं भी बनाऊंगा आपके साथ बैठ के डिटेल प्लान, मैं आपको हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं कैसे पढ़ना है, लेकिन आप शुरू तो करो। और एक बात मैं आपको बता दूं साहब, ये जो घर पे पढ़े पढ़े तुम लोग आलसी होते जा रहे हो ना, मतलब सूरज के साथ कॉम्पिटिशन है, तू निकल हम बाद में निकलेंगे, क्या बात है? उठो, समय पे उठो, काम पे लगो। और मेरी एक बात को दिमाग में डाल लो भाई साहब, अगर आप लोग वाकई में ये सीए छोड़ दो, ये जिंदगी के लिए बात बता रहा हूं आपको, अगर आप लोग वाकई में सर कुछ करना चाहते हैं, आपका दिमाग जो है ना, आपके माइंड की वर्किंग, आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी सोचने समझने की शक्ति डायरेक्टली रिलेटेड है फिजिकल वर्कआउट से और मेडिटेशन से, तो फिजिकल वर्कआउट और मेडिटेशन शुरू कर दो। फिर बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं था। ये जो आप लेजी बन के घूमते रहते हो, नहा लिया करो यार, नहा लिया करो, बैठ गया 4-4 दिन तो पड़े रहते हो यार तुम लोग, राइट? तो ये लेजी बन के छोड़ना, जो लेजी बन के घूमना भाई छोड़ो, और उसके बाद भाई साहब मेडिटेशन करो, योगा करो, फिजिकल थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, और इसमें भी ऐसे मत लग जाना आज डंबल खेलेगा तेरा भाई। हर बात में दिक्कत तो यही है, कुछ भी शुरू करना पहले अमेजोन पे पहुंच जाओगे, पहले जूते आएंगे, पजामा आएगा, डंबल आएगा, फिर कुछ शुरू करो, क्यों? सिंपल एक्सरसाइज नहीं हो सकती, सब हो सकता है साहब। याद रखिएगा, काम करने से काम होता है, जिक्र से कुछ नहीं होता, और जो होना होता है वही होता है, फिक्र से कुछ नहीं होता। और तुम लोग सिर्फ जिक्र करते हो या फिक्र करते हो, तो ना जिक्र करो ना फिक्र करो, उठो और भाई साहब पढ़ाई लिखाई शुरू करो। बहुत हो गया, बहुत हम लोग चुप लिए, बहुत दुख दर्द झेल लिए, अब यही है जिंदगी, यही है साहब, इसी जिंदगी में हमने आगे बढ़ना है, आपके पास और कोई चारा नहीं है। अब इसी जिंदगी से हीरो निकलेंगे, इसी जिंदगी से सर सीए के रैंकर्स निकलेंगे, इसी जिंदगी से सर अगला सुंदर पिक्चर निकलेगा, याद रखिएगा। अब आपके ऊपर है साहब, आप क्या करते हो, राइट? तो यही थी यार एक ऑनेस्ट टॉक आप लोगों के साथ, और प्लीज फॉलो करें इस चीज को।